नमस्कार, मैं शुभकरण, सहायक आचार्य EFM। आज हम BCOM पार्ट थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए EFM पेपर प्रथम रूरल डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन ग्रामीण विकास एवं सहकारिता में यूनिट संख्या फोर्थ के अंतर्गत जनजाति कल्याण से संबंधित कार्यक्रम में भारत सरकार के जनजाति मामलों से संबंधित मंत्रालय द्वारा जनजाति विकास हेतु किए गए प्रयास या भारत में जनजाति कल्याण से संबंधित कार्यक्रमों का हम संक्षेप में अध्ययन करेंगे। यह चैप्टर आपके एग्जाम की दृष्टि से उपयोगी है, इनसे संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में अधिकतर पूछते हैं। अब तक हमने 3 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि फोर्थ यूनिट में आपके एग्ज़ाम में 4-5 चैप्टर हैं, जिसमें जनजाति कल्याण से संबंधित कार्यक्रम, सूखा संभाव क्षेत्र DPAP DPP और बाल विकास कार्यक्रम, महिला विकास कार्यक्रम से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों का यूनिट संख्या फोर्थ में आपके सिलेबस के अनुसार यूनिट संख्या फोर्थ में ये चैप्टर विद्यमान है। जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं जनता के समक्ष प्रस्तुत करते हैं या जनता को उस योजना का लाभ भी मिलता है, तो इसमें भारत सरकार के जनजाति मामलों से संबंधित विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हैं, जो कि हम संक्षिप्त में इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पूर्व में मालूम है कि वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार जो अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या 67.8 मिलियन थी, 67.8 मिलियन थी, जो कि कुल जनसंख्या का 8.1% ST वर्ग के लोगों की मानी जाती है। उनके विकास के लिए मुख्यतया सरकार ने विभिन्न योजनाएं चलाई, जो कि ये कारगर भी सिद्ध हुई। वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर अनुसूचित जनजाति के लोगों की जनसंख्या का लगभग 84.4 मिलियन थी, जो 2001 की जनगणना के अनुसार हमारे देश की कुल आबादी में अनुसूचित जनजातियों का 8.2% हिस्सा रहा है। जो 2011 की जनगणना के आधार पर देश की अनुसूचित जनजातियों की संख्या 104.3 मिलियन रही, जो कि इनमें से 93.8 मिलियन ग्रामीण परिवेश में और 10.5 मिलियन शहरी जनसंख्या सम्मिलित है। इनके विकास के लिए सरकार विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित करती हैं, जो कि एक सहायक रूप से क्रियान्वित होती है, जिसमें एकीकृत जनजाति विकास परियोजनाएं सम्मिलित हैं। एकीकृत ग्रामीण विकास योजनाएं, एकीकृत जनजाति विकास योजनाएं, एकीकृत जनजाति विकास योजना में जो भी व्यक्ति विशेष हैं, जो देश में इस समय 195 एकीकृत जनजाति विकास परियोजनाओं का मुख्यतया सहायक तरीके से भूमिका का निर्वहन होता है।
तो एक सहायक भूमिका के रूप में सहायक निर्वहन भी किया जाता है। सॉरी, एकीकृत ग्राम जनजाति विकास योजना में लगभग देश में 195 एकीकृत जनजाति विकास योजनाओं को सम्मिलित किया। इनके सतत विकास के लिए सरकार विभिन्न प्रकार के आयाम भी क्रियान्वित करते हैं, जिसमें माडा के तहत भी विभिन्न योजनाएं सम्मिलित हैं। अगला है विशिष्ट केंद्रीय सहायता। विशिष्ट केंद्रीय सहायता के अंतर्गत मुख्यतया विभिन्न प्रकार के जनजाति मामलों के मंत्रालय द्वारा 81 जनजाति उपयोजना सम्मिलित है। 21 सॉरी टीएसपी के अंतर्गत 21 जनजातीय या 21 जनजाति उपयोजनाओं को केंद्रीय सहायता दी गई है, जो महत्वपूर्ण रही हैं। सरकार के द्वारा इनकी विभिन्न पूर्ति विभिन्न क्षेत्रों में पूर्ति की गई है। अगला हम चर्चा करें अनुच्छेद 275 सबसेक्शन 1 के अंतर्गत भी अनुदान का प्रावधान रखा गया है। अनुच्छेद 275 सबसेक्शन 1 के अंतर्गत अनुदान, अनुच्छेद 275 सबसेक्शन 1 के अंतर्गत भी अनुदान का प्रावधान रखा गया है, जिसमें जनजाति मामलों का मंत्रालय संविधान के अनुच्छेद 275 सबसेक्शन 1 में प्रथम उपबंध के तहत 21 जनजाति उपयोजनाओं को शामिल किया गया है, जो कि 4 राज्यों में जनजाति विकास से संबंधित परियोजनाओं को इसमें शामिल भी किया गया है। इसमें मुख्यतया दिसंबर 2016 तक लगभग 355.14 करोड़ रुपए की राशि का भी प्रावधान रखा है। अगला है आदिम जनजाति समूह के लिए योजना। आदिम जनजाति समूह के लिए योजना, आदिम जनजाति समूह के लिए यो भी योजना रखा गया, जिसमें मुख्यतः 15 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में 75 जनजातियों की पहचान करके उन्हें आदिम जनजाति समूह को एक सहायक रूप से भूमिका का निर्वहन किया है, जिसमें एक ग्रुप में रखा गया है, जिसमें तकनीकी का पूर्व कृषि स्तर पर योगदान दिया गया है। इसमें साक्षरता का नीचा स्तर घटती हुई विकास दर को ऊंचा रखने के लिए विभिन्न संगठनों गैर संगठनों के माध्यम से उन्हें तीव्र गति से ऊपर क्रियान्वित किया गया है। अगला है जनजाति अनुसंधान संस्थान। जनजाति अनुसंधान संस्थान, जनजाति अनुसंधान संस्थान भी इसमें सम्मिलित है, जिसमें 15 जनजाति अनुसंधान संस्थाएं स्थापित की गई है, 15, जिसमें ये संस्थाएं आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थापित की गई हैं। ये अनुसंधान मुख्यतया प्रथम कानगू या ट्राई के तहत इफेक्ट या सराहनीय इनका योगदान रहा है। अगला है अनुसूचित जनजाति के बालक बालिकाओं हेतु छात्रावास की सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई है, जो एसटी वर्ग के बालिकाओं के लिए छात्रावास
की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, जिसमें उसके विकास के लिए शिक्षा उच्च गुणवत्ता की शिक्षा आसानी से प्राप्त कर सके। टीएसपी क्षेत्र में आश्रम विद्यालय खोले गए हैं, आश्रम विद्यालयों का गठन किया गया है और भी विभिन्न प्रकार के स्कीम्स में जनजाति क्षेत्रों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण का कार्य भी इसके तहत करवाया गया है। प्रशिक्षण का कार्य भी कराया गया है, जिसमें अच्छी किस्म की या अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन उनको दी जाए, जिससे आगे उनका उत्थान हो सके। ये स्कीम 1992-93 में संपूर्ण राज्य में लागू की गई, उनको रोज़गार आसानी से उपलब्ध हो सके। अगला, निम्न साक्षरता क्षेत्रों में बालिका शिक्षा लागू की गई है। निम्न जो साक्षरता क्षेत्र में बालिका शिक्षा को लागू किया गया है, बालिका शिक्षा को लागू करने में इनकी एक अहम भूमिका भी रही है, जिससे उस क्षेत्रों का क्रमबद्ध विकास और महत्वपूर्ण भूमिका हो सके। ट्राइफेड भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास संघ की गठन किया गया, जिसे हम ट्राइफेड के नाम से भी जानते हैं। ट्राइफेड की जो फुल फॉर्म है, ट्रिबल कोऑपरेशन मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास संघ के नाम से भी इसे जानते हैं। और भी विभिन्न योजनाओं में इसमें गौण वन उपज के व्यापार हेतु सहायता या अनुदान के रूप में भी इस योजनाओं को प्रभावी किया गया है। इस प्रकार जनजाति विकास की योजना में इनका महत्वपूर्ण रहा। अगला, ग्रामीण अन्न बैंक योजना भी खोली। अन्न बैंक योजना का भी एक इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। स्वयंसेवी संगठनों को सहायता मिली है, जो एड ऑफ वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है, स्वयंसेवी संगठन भी महत्वपूर्ण रहे हैं। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति भी उनको दी गई है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप उनको प्रदान की, जिनको अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा उनको आसानी से मिल सके। विभिन्न लाभों में अन्य शैक्षिक योजनाओं को भी इसमें शामिल किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति विकास निगम की स्थापना की गई है और भी विभिन्न प्रकार के निगमों के माध्यम से उनको लाभ दिए गए हैं, जिससे वो आसानी से एक सहायक भूमिका का निर्वहन कर सकें और जिससे सहायक एवं क्रमबद्ध तरीके से इन योजनाओं का लाभ ले सकें। तो ग्रामीण विकास सहकारिता के अंतर्गत भारत सरकार के जनजाति मामलों से संबंधित मंत्रालय द्वारा जनजाति विकास के विभिन्न योजनाओं को शामिल किया गया है, जिनको उनको मूलभूत रूप से विभिन्न लाभ मिल सके। तो इस प्रकार से हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे राजस्थान में जनजाति कल्याण से संबंधित कार्यक्रमों के बारे में, जो कि बहुत उपयोगी चैप्टर है, आपके एग्ज़ाम में इसका प्रश्न अधिकतर पूछते हैं। तो जनजाति कल्याण से संबंधित जो कार्यक्रमों के अंतर्गत आते हैं, ये अपना चैप्टर है जनजाति कल्याण से संबंधित। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान में जनजाति कल्याण कार्यक्रम। राजस्थान में जनजाति कल्याण के कार्यक्रम। या राजस्थान में जनजाति कल्याण कार्यक्रम बहुत ही उपयोगी एवं इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्ज़ाम में इसका प्रश्न भी आता है। तो इस प्रकार ये दोनों क्वेश्चन राजस्थान और भारत में जनजाति से संबंधित
जो आदिम जनजाति है उनसे संबंधित कौन कौन से कार्यक्रम हैं वो हम उनकी हम चर्चा करेंगे। बहुत ही बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।